क्वेश्चन 9 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी, एक ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल कहां पे है, बी पे, इफ टेन ए की वैल्यू आपको गिवन है, तो टेन थीटा का जो टेन ए का जो फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 और बेस है हमारा रूट 3, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये रेशियो है, तो हो सकता है इसके साथ एक कॉमन फैक्टर रहा हो जिसको हम के कहते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है 1k और यहाँ पे हो सकता है रूट 3k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया होगा, तो रेशियो क्या बचा होगा 1/√3, ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, k लिखते हैं, फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में बार बार k लिख के, क्योंकि एक्चुअल में k से k कैंसिल आउट हो जाता है, अपॉन में आते रहता है बार बार वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन कायदे से लिखा जाना चाहिए क्योंकि वो रेशियो का कॉन्सेप्ट है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस की रूट 3, परपेंडिकुलर की हो जाएगी 1, तो हमसे कह रहा है इनकी वैल्यू फाइंड करो, तो इनके लिए हमको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो साइन के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जब मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, फॉर एंगल ए ठीक है, एंगल ए की तरफ से यहां पे सी भी दिख रहा है, ठीक है, फॉर एंगल ए साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो वो कितनी दिख रही मुझे बीसी, और मुझे पहले क्या निकाल लेना चाहिए था, हाइपोटेन्यूज निकाल लेना चाहिए था, जो कि है क्या ए सी, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं ए सी की वैल्यू कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी इक्वल टू होगा रूट इसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है रूट 3 का स्क्वायर, बी सी कितना है 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ सिंपली, ठीक है, रूट 3 और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी ये बनेगा रूट 4, जो रिजल्ट देगा मुझे सीधे सीधे 2। तो हम क्या निकाल चुके थे, हम ए सी की वैल्यू 2 निकाल चुके थे, तो अब हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी सी ऑलरेडी हमारे पास है, बीसी कितना है 1 और एसी हमारे पास आया 2, तो साइन ए हो जाएगा 1/2, ऐसे ही हमको कॉस सी की जरूरत है, कॉस सी से पहले कॉस ए निकाल देना ज्यादा इजी रहेगा, तो यहां से कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा, सीधे सीधे वैल्यू पुट करने वाले कॉस ए ए की, तो जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए के साथ जो साइड लगी हुई है बेस ए बी, इसकी वैल्यू कितनी दिख रही रूट 3 और हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम ही होगा 2, ठीक है, ए सी ही हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, क्लियरली कॉस सी भी निकाल देते हैं, अब कॉस सी होगा कॉस सी, अब सी की तरफ से देखेंगे हम इस तरफ से, तो अभी भी कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये सी है, सी के साथ जो साइड लगी हुई है वो होगी बेस, तो इस केस में बेस क्या है बी सी, ठीक है, बी सी और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारी अगेन 1/2, बी सी 1 है और ए सी कितनी है 2, और हमको चाहिए क्या साइन सी, साइन सी, तो साइन सी की जो वैल्यू होती है साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन सी की बात हो रही है, सी से अगर आप सामने देखोगे, सी के सामने जो साइड है वो क्या है ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है रूट 3 और हाइपोटेन्यूज तो सी ए सी 2 ही है, ठीक है, यानी आपको क्लियरली दिख रहा है साइन ए की जो वैल्यू है वो कॉस सी की बन जा रही है और कॉस ए की जो वैल्यू है वो साइन सी की वैल्यू बन जा रही है, तो हमको क्या करना है इसको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट पार्ट पे वैल्यू पुट कर लेते हैं साइन ए, ठीक है, साइन ए है, साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 1/2, लिख लेता हूँ एक बार मैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है, साइन ए है 1/2, 1/2 इंटू में कॉस सी है 1/2, वो भी 1/2 है, प्लस कॉस ए रूट 3/2 कॉस और साइन सी भी है रूट 3/2, क्लियरली इनका स्क्वायर हो रहा है, कैलकुलेट करने पर रिजल्ट क्या आएगा, ये बन जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 3, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 4, क्लियरली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है, रेशियो एलसीएम लोगे तो 4 और ये 1 और 3 सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, फाइनली रिजल्ट आएगा मेरा
फोर अपॉन अपॉन फोर, ठीक ठीक है, है, फोर फोर अपॉन अपॉन फोर, फोर, फोर फोर अपॉन अपॉन फोर फोर है, है, तो तो वैल्यू वैल्यू क्या कितनी आ कितनी आ जाएगी, जाएगी, फोर फोर अपॉन अपॉन फोर फोर से से वन, वन, यानी यानी इसकी इसकी जो जो पूरी पूरी वैल्यू वैल्यू है है वो वो है है वन। वन। ऐसे ऐसे ही ही सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट है है मेरा, मेरा कॉस कॉस ए ए साइन साइंस सी, सी, ठीक ठीक है, है, कॉस कॉस ए ए साइन साइंस सी। सी, सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट कॉस कॉस ए इंटू इनटू कॉस कॉस सी सी माइनस माइनस साइन साइन ए ए इंटू इनटू साइन साइन सी, सी, ठीक ठीक है, है, ये ये है है हमारा हमारा सेकंड सेकंड पार्ट। पार्ट। तो तो कॉस कॉस ए ए था था हमारा हमारा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। कॉस सी है हमारा वन बाई टू माइनस साइन ए वन अपॉन टू, और साइन सी है रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। तो रूट थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री ही रहेगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, अगेन यहाँ रूट थ्री वन से मल्टीप्लाई होगा रूट थ्री ही रहेगा, टू टू जा फोर। क्लियरली दिख रहा है रूट थ्री बाई फोर माइनस रूट थ्री बाई फोर, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट क्लियरली दिख रहा है, रिजल्ट आया जीरो। जीरो। तो तो आंसर आंसर है है सेकेंड सेकंड पार्ट पार्ट का का जीरो जीरो और और फर्स्ट फर्स्ट पार्ट पार्ट का का वन। वन। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।